20 देखना, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स सोहनलाल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002। देखो ओपनिंग स्टॉक दिया 3,000 रुपये, परचेज दिया 10,000 रुपये, ठीक है। इसके लिए हम लोग टिक करते हैं TPAL, ये चार चीज टिक करते हैं ना हम लोग। ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में टी, टिक करते जाओ। परचेस आता है टी में, डेटर आता है टी ए में आता है, एसेट्स है वो। डेटर किसको बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं, पैसा लेना है, एसेट्स में आएगा। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। यंत्र एवं मशीन प्लांट एंड मशीन एसेट्स हमारी। इंश्योरेंस पी में आएगा। बिल्डिंग पी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, बिल्डिंग ए में, ठीक है। इसके बाद वेजेस हमारा टी में आएगा, सैलरी हमारा पी में, ड्रॉइंग हमारा कैपिटल में माइनस होता था कैपिटल माइनस, कैश हमारा ए में, बिल रिसीवेबल हमारा ए में, बैड डेट पी में, ठीक है। फिर इधर लायबिलिटी साइड में मतलब क्रेडिट साइड में कैपिटल एल, परचेस रिटर्न टी, क्रेडिटर एल, बिल पेबल एल, सेल्स टी में, कमीशन पी में। हम लोग बना रहे क्वेश्चन नंबर 20। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक साथ बनाते हैं ना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका डेट डालते हैं ऐसा फॉर द ईयर एंडिंग करके, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट द क्रेडिट साइड, और ये तो हमारा डेबिट साइड, ठीक है। जितना भी टी वाला है पहले वो बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर जितना भी पी वाला है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक दिया है, ठीक है, टी वाले में ओपनिंग स्टॉक पर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 3,000 रुपये, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा 3,000 रुपये, 3,000 रुपीज। नेक्स्ट उसके बाद है परचेस 10,000 रुपीज। क्रेडिट साइड में परचेस रिटर्न दिया 350 रुपये, उसको माइनस कर देंगे टू परचेस, ठीक है। परचेस हमारा हो गया 10,000, इसमें 350 आप माइनस कर देना परचेस रिटर्न, यहाँ लिख दिया हम लोग रिटर्न में ऐसा माइनस रिटर्न, दिया जाएगा 9,650 रुपीज़। फिर उसके बाद बाय सेल्स, सेल्स हमारा दिया हुआ है 24,200 रुपये क्रेडिट साइड में, इसमें कोई सेल्स रिटर्न नहीं है तो माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सबसे नीचे में लास्ट में, वो नीचे दिया है तो दो बार आता है, नीचे दिया है तो दो बार आएगा, एक बार क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और क्लोजिंग स्टॉक क्या है आपके बिजनेस का एसेट्स है, उसको सेल करोगे तो पैसा मिलेगा, है ना, उसमें आपका अधिकार है, आपका एसेट्स है तो उसको एसेट्स में भी लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए वो नीचे दिया तो दो बार आएगा। अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता, मैं क्या बोला ट्रायल बैलेंस, अगर आपको ऐसी डब्बा बना के दे दिया ट्रायल बैलेंस नहीं लिखा ऊपर में, ठीक है, या निम्नलिखित शेष या बैलेंस करके नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा है, तो ट्रायल बैलेंस नहीं है वो। अगर अंदर दिया है तो आपको दो बार लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस दिया, जैसे यहाँ पे दिया ट्रायल बैलेंस बना के दिख रहा है आपको, ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ऐसे अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर में अगर हमको डेबिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक दे दे कभी, ठीक है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में लिखते हैं और कहीं नहीं लिखते हैं। जैसे आप लोग ट्रायल बैलेंस पढ़े होंगे तो उसमें था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रहता है उसमें क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है, ठीक है। तो वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ क्या लिखते हैं हम लोग, बाय सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल के डायरेक्ट प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे इधर, बाय सेल्स, इधर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करके डायरेक्ट प्रॉफिट निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक उसमें नहीं आता, जो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ आएगा, आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा, ठीक है। कितना दिया हमारा, 23,500 रुपये दिया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, चलो प्लस माइनस करते हैं हम लोग। अच्छा आउटपुट दिया क्या, वेजेस दिया हुआ है टीम में,
और कुछ भी चीजें नहीं दिया, तो वेजेस लिख देते टू वेजेस। वेजेस कितना दिया हमारा 2500 रुपीस, ठीक है। चलो प्लस माइनस करते हैं हम लोग, ये 500 200 हो गया 700, 437 224, ठीक है। इस साइड टोटल 50 50, 5 6 11 कैरी 1 10 और 15। एक मिनट साहब, कुछ मिस्टेक है क्या? ठीक है, तो हमारे डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 47,700 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा हमारा 15,150 रुपीज़, ठीक है। तो चलो माइनस करते आ गया 32,500 आ रहा है ना, 32,550 रुपीज़ आया हमारा। yes, इसको लिखते हैं हम लोग टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, जहाँ से देखना ना टोटल आ जाएगा हमारा 47,700 और इस साइड का टोटल भी आ जाएगा हमारा 47,700, ठीक है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन जो आया है इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं इधर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 32,550 रुपीज़। अब आपको बैलेंस शीट बना के दिया, ट्रायल बैलेंस दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको क्या किया, ट्रायल बैलेंस बना के दिया है। तो सबसे अच्छा जितना भी पी वाला डेबिट में लिख दो, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिख दो, और अपना दिमाग मत लगाओ, डेबिट वाले को डेबिट में लिख दो, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में लिख दो, कौन सा जिसमें पी टिक किए हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग पी वाला, सबसे पहले है ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000 रुपये, और है इंश्योरेंस 180 रुपये, फिर उसके बाद सैलरीज 2,400 रुपीज़, तीन चीज़ें हैं, उसके बाद लास्ट में बैड डेट 1,000 रुपीज़ मिला, ये डेबिट में दिया है। क्रेडिट साइड देखोगे तो एक ही पी है 400 रुपये कमीशन, तो क्रेडिट वाले को क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट वाले को डेबिट में लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस बना के दिया तो आपके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिख दो, डेबिट वाला डेबिट में लिख दो, ठीक है। तो चलो बताते जाओ मुझे, सबसे पहले क्या दिया, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कितना रुपये, 1,000 रुपीज, फिर नेक्स्ट इंश्योरेंस कितना, 180, फिर टू सैलरीज कितना, 2,400, फिर उसके बैड डेब्ट 1,000 रुपये, फिर क्रेडिट साइड में आपको कमीशन दिया हुआ है, बाय कमीशन 400 रुपये, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, डेबिट वाला डेबिट में, इतना क्लियर है, ठीक। चलो प्लस माइनस करते हैं अब हम लोग, है ना। तो इस साइड का टोटल आ रहा हमारा 32,950 रुपीस, 32,950 रुपीस। इस साइड का टोटल कर लेते हैं 1,000 1,000 2,000 हो गया 4,400, 4,580 रुपए, ठीक है। 0 में से 0 गया, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचा, 8 में से 5 गया तो 3, 32 में से 4 जाएगा तो 28,370 रुपीस हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है, क्या आ गया, ठीक है। इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट 28,370 रुपीस, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिखते ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट, है ना, बैलेंस शीट, ठीक है। इसमें हम लोग डेट कैसे डालते हैं, फोर द ईयर एंडिंग, क्योंकि वो अकाउंट था, ये बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, एक तरह का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में कैसे डालते हैं डेट हम लोग, एज ऑन 31st March 2002, ठीक है। यहाँ पे 31st March 2002 करके फोर द ईयर एंडिंग लिखे थे, इसमें हम लोग एज ऑन लिखते, ठीक है। एज ऑन करके हम लोग दो जगह और डालते थे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में और ट्रायल बैलेंस में, थर्ड यहाँ पे डालें, बाकी सब में डेट लिखने के तरीके थोड़ा हमारा अलग हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, तो जितना भी ए लिखा हुआ है
वो एसेट साइड में, और जितना भी एल लिखा हुआ है वो लायबिलिटी में, ठीक है। तो इस साइड सबसे पहले मैं लिखता हूँ ये लायबिलिटी, एल आई ए बी आई एल आई टी आई ई एस, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ठीक है। इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं हम लोग डेबिट क्रेडिट, डेबिट साइड के दो कॉलम, क्रेडिट साइड के दो कॉलम, पर यहाँ पे स्टेटमेंट है तो लायबिलिटीज का एक कॉलम होता है एंड लायबिलिटीज एंड अमाउंट का, एसेट्स एंड अमाउंट का, ठीक है। डेबिट क्रेडिट मत लिखना, ठीक है, क्योंकि ये अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ कैपिटल कितना दिया, इसको ढूंढ लो कितना दिया बेटा कैपिटल, 10,800, ठीक है। इसमें हमारा नेट प्रॉफिट जो आया था 28,370 रुपीस, नेट प्रॉफिट को इसमें ऐड करते हैं और लॉस होता तो माइनस करते हैं। जो बिजनेसमैन है इस बिजनेस में, बिजनेसमैन इस बिजनेस में 10,800 रुपए लगाया है, 10,800 रुपए बिजनेस में लगाया है और कमाया कितना है, 28,370 रुपए कमा लिया, तो उसका कैपिटल बढ़ेगा ना, ठीक है, उसी का पैसा है वो। अगर लॉस होता तो माइनस हो जाता, प्रॉफिट हो रहा तो प्लस हो जाएगा, कितना 28,370 रुपीस, ऐड कर दो 7083119 39 हो गया। अब अगर इसमें ड्राइंग दिया क्वेश्चन में, आहरण ड्राइंग दिया है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ड्राइंग दिया है हमको इस क्वेश्चन में 920 रुपीस ओनली, ठीक है, तो 920 रुपीस हम लोग माइनस कर देते हैं ड्राइंग। लास्ट में चौथे लाइन पे दिया हुआ देखना लास्ट से, ठीक है, ड्राइंग 920 रुपीस, तो 70 में 20 माइनस करो तो 50, 11 में 9 माइनस करोगे तो 2 बचा 8, और ये 3 38 250। और कोई लायबिलिटी वाला है क्रेडिट साइड में, है क्रेडिटर 7850, बिल पेबल 1400, और कुछ भी नहीं है, दो चीज़ें दिया हुआ, ठीक है, हाँ बिल पेबल है वो, है ना, उधर डेबिट साइड में रिसीवेबल है। तो क्रेडिटर्स 7850 ना, 7850 और 1400 हमारा बिल पेबल, शॉर्टकट में बीपी लिखा हुआ है, बिल्स पेबल, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं डेबिट साइड में, डेबिट साइड में हमारा एसेट्स दिया हुआ है, जितना भी ए वाला टिक है उसको कर देते हैं डेटर, प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग, कैश और बिल रिसीवेबल, पांच चीजें दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले डेटर्स बता दो कितना है, 6,000 रुपए। उसके बाद प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन मशीनरी 5,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट बिल्डिंग 1600, 5300 ना, ठीक है। उसके बाद कैश कितना, 2700। फिर लास्ट कितना, 4000 रुपीस। आपका आंसर नहीं आएगा क्योंकि देखिए छोटा छोटा दिख रहा है, काफ़ी बड़ा भी दिख रहा है। मैं क्या चीज़ बताया था, एक क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अगर नीचे दिया है तो दो बार आता है, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बार बैलेंस शीट में, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 23,500 रुपीस। अब आपके दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा, अगर इक्वल नहीं आया तो हम लोग गलत बनाए हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में ही जब बनाओगे, अगर तीनों बनाते हो तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट सही है कि नहीं पता नहीं चलेगा, नेट प्रॉफिट सही है कि नहीं पता नहीं चलेगा, पर अगर बैलेंस शीट का टोटल बराबर आ गया तो सही है, ऐसा मान सकते हैं। 90% आप सही हो, 10% हो सकता है उसमें भी गलत रहे हो आप, ठीक है। चलो चेक करते हैं हम लोग, 50-50 हो गया 100, कैरी 1, 11 और 4 हो गया 15, कैरी 1, 16 और हो गया 17, ठीक है, कैरी 1, 47,500 आया आंसर, बैलेंस का टोटल आ गया इस साइड का। चलो इस साइड चेक कर लेते हैं, 2020 सब में 20 कॉमन है, 30 में 0, 0, 3, 7, 10, 10 और 5, 15, ठीक है, कैरी 1, इसको भी 6 कर देते हैं, 5 और 6 हो गया 6, 6, 18, 20, और ये हो गया 27, कैरी 2 तो जाएगा
47,500 आ गया, मतलब हमारा बैलेंस शीट भी बिल्कुल सही है, मतलब हमारा पूरा सॉल्यूशन सही है।